नागपुर हैदराबाद हाईवे पर हिंगनघाट के छोटे आरवी शिवार में सगुना कंपनी के सामने तेज गति से जा रहे ट्रैवल्स पलटी होने से एक बड़ा हादसा हो गया है। सुबह करीब 4 बजे के दरमियान सड़क पर बने गड्ढे से बचने के चक्कर में चालक का ट्रैवल से नियंत्रण छूट गया और ट्रैवल्स उल्टी हो गई। इस हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य घायल हो गए हैं। कनकोर ट्रैवल्स कंपनी की ट्रैवल्स क्रमांक CB19F3366 हैदराबाद से रायपुर जा रही थी। पुलिस ने बताया कि ट्रैवल्स में 28 यात्री सवार थे, जबकि ट्रैवल्स के यात्रियों ने बताया कि ट्रैवल्स में 50 से अधिक यात्री भरे हुए थे। जब ट्रैवल्स तेज गति से हैदराबाद से रायपुर की ओर जा रही थी तो हिंगनघाट के पास पहुंची और ड्राइवर को छोटी आरवी के पास हाईवे पर गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा। गड्ढे से बचने के दौरान चालक का ट्रैवल्स से नियंत्रण छूट गया, इसलिए ट्रैवल्स उल्टी हो गई। इस हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मामूली घायल यात्री दूसरी बस में सवार होकर आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। हिंगनघाट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। इसी कोच वाली इस ट्रैवल्स के दुर्घटनाग्रस्त होने से यात्री क्षमता पर सवाल खड़ा हो गया है। जो गाड़ी में जो ड्राइवर है बहुत ओवर स्पीड में था और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सामने एक गड्ढा है, उसको बचाने के चक्कर में उसने लेफ्ट पे घुमाया, उससे हैंडल नहीं हुआ और गाड़ी का हाइट बहुत ज़्यादा होने के चक्कर में एकदम स्कीड होके वो गिरा दिया यहाँ पे। और थोड़ा सा पियकड़ भी हो शायद, बॉटल भी मिला है, तो फिर तो 100% पिया होगा वो। पी के चला रहा था और बहुत स्पीड में था, कंट्रोल हो नहीं पाया। रोड के ऊपर 22 लोग थे करीब, तो होंगे 22 से 28 सीट का सर सीट है, 22 या होंगे सबको। बहुत ये 3 लोगों का पैर का बहुत सीवियर लगा है, एक बंदे को थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, एक बंदा जो इमोशन हुआ या कुछ हुआ। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।